और यह भी बात जान लीजिए, अगर आई लव कुशीनगर यहाँ पे सेल्फी लेते हैं और यहाँ पे कूड़ा फैलाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बोर्ड भी लगा है, तो 1 जनवरी के दिन तो एकदम शासन टाइट ही रहेगा। साथ ही में कूड़ा अगर फैलाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो भाई आप लोग भी गौतम बुद्ध भगवान का नमस्कार कर लीजिए, लाइव दर्शन कर लीजिए। और अभी आ चुका हूँ मंदिर के पास बिल्कुल, और अंदर भी चलने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जूता चप्पल निकाल लेते हैं, और यहाँ पे दान देना बिल्कुल मना है, अगर आते हैं तो दान नहीं देना है आपको। सेल्फी पॉइंट बन चुका है, लोग देख सकते हो कैसे सेल्फी ले रहे हैं, ये देखो। और जो है ये देख सकते हो यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं एज ए टूर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। और ये देख सकते हो इतना शुद्ध वातावरण है ना, आने पर आपका दिल गदगद हो जाएगा, और शांति वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है। तो ऐसे नीट एंड क्लीन इंडिया बनाए रखिएगा, और सूचना भी पढ़ सकते हैं पहुंच करके। चलिए चलिए, तो यहाँ पे हमने जूता निकाल लिया, ओके, और अब चलते हैं अंदर। चलिए, और आप मेरे साथ इनका एक परिक्रमा किया जाता है, तो परिक्रमा भी कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए गाइस आप लोग, लाइव परिक्रमा। चलो भाई, तो ये एक बड़ा सा स्तूप है यहाँ पे, और यहाँ पे दीवार पे बहुत सारे लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मानना था लोगों को का कि यहाँ पे लिखने से मनोकामना पूर्ण हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, और कुछ नहीं, दीवार गंदा होता है। और यहाँ पे भी देख सकते हो लिखा है, मैं भगवान पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ और अपने माता पिता का सेवा करूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग लिखे हैं बहुत सारा यहाँ पे, मेरा सपना है डॉक्टर बनना। तो मस्ती ही करेंगे तो कहाँ डॉक्टर बनेंगे, यानी कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। तो यहाँ पे लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे दीवार गंदा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये पर्दा लगाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक स्तूप यहाँ पे छोटा सा, और यहाँ पे देख सकते हैं एक चाइना वाले भैया हैं वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, ठीक है, आस्था में लीन है। और यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ, स्तूप पर लिखना मना है, फिर भी यहाँ पे लोग लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है, हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार सुखी रहे और हमारा सारे मनोकामना पूरा हो जाए। चलो यहाँ तक तो ठीक है। आई लव पूनम यादव भाई महेश कुशवाहा, इतना बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं। यहाँ पे लोगों का अंधविश्वास है कि लिखने से मनोकामना पूरा हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है भाई। देखो, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो कहाँ से वो पूरा होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे पर्दा भी लगाया गया है कि ताकि लोग उस पार ना जा पाएँ और वहाँ पे लिख ना पाएँ। तो यहाँ पे लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखते हैं, जो भी यहाँ पे मुरादें मानते हैं, तो वो पूर्ण हो जाती है। तो भाई ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है, बाकी कुछ नहीं होता, यहाँ पे दीवार गंदा होता है, ठीक है। तो यही स्तूप है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लोग, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं स्तूप पर लिखना मना है। तो भाई लिखना बिल्कुल मना है, फिर भी लोग का क्या करना, देखो यहाँ पे लिख चुके हैं, पूरा भर पड़ा है। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ये जगह लिखा, ऐसा कोई जगह हो जहाँ लिखा ना हो, यहाँ पे मेरे पूरी फैमिली के साथ खुशियाँ दे, ये देख रहे हो ना, मुझे और मेरे परिवार को सफल बनाया। चलो ठीक है, ये भाई ऐसा मत करो, लिख और भी आगे दिखाता हूँ। हे भगवान, मैं पुलिस बनना चाहती हूँ, ये देखो क्या लिखा है, मेरे पापा बहुत पैसा कमाया, मेरे भाई भी बहुत बड़ा आदमी बने और हम सारा परिवार खुश रहे। और भी आगे आपको दिखा दूँ, मैं हूँ भगवान, एक बहुत ही सिपाही बनना चाहता हूँ, आप मेरे प्रार्थना सुनने का प्रयास करें। ये देखो और भी क्या क्या लिखा है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, ये देखो, मैं अपने परिवार के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा हमेशा प्यार करें हमसे और उनका सपना पूरा कर सकूं और मैं डॉक्टर बनूं। ये देख सकते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग वाला चीज़ आपको दिखाऊं ना, इसमें क्या लिखा है,
ये देखो एक बड़ा सा स्तूप पे क्या लिखा है, आई लव पूनम यादव भाई महेश कुशवाहा। भाई प्यार करते हो तो क्या मतलब, कहीं भी कुछ लिख दोगे, ये देखो आई लव पूनम यादव। तो ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं, आई लव पूनम यादव भाई महेश कुशवाहा भाई। तो महेश कुशवाहा भाई क्या लिखने की ज़रूरत है, अगर आपको पुलिस खोज ली ना तो बड़ा मार मारेगी और जेल में भी डालेगी। तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे देख सकते, इसीलिए ये येलो पर्दा जो है लगाया गया है ताकि लोग वहाँ पर ना जाए। और यहाँ पे माना जाता नहीं, देख सकते हैं लाइव यहाँ पे चाइना के भैया जो है ये पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो चाइना वाले भैया कैसे आस्था में लीन हुए पड़े हैं। मैं पास से आपको दिखा दूँ तो यही स्तूप है गौतम बुद्ध भगवान का। और ये देखो, मैं भंग नहीं करना चाहता हूँ उनकी प्रार्थना। ये देखो कैसे पूजा कर रहे हैं बिल्कुल शांत अवस्था में। सो फाइनली गाइज यहाँ से आप अलविदा लेते हैं। आई होप गाइज कि आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक करिएगा। और हाँ, ये जानना चाहते हैं क्या है तो मैं बता दूँ, यहाँ पे अलग अलग डिजाइन का छोटा छोटा स्तूप बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये राम मंदिर, और यहाँ पे बच्चे भी आए हैं एज ए टूर स्कूल के थ्रू, और काफ़ी गजब का लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हो सेल्फी पॉइंट बन चुका है और लोगों का सेल्फी लिया चार। सो आई होप गाइस का वो वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, देख सकते हो क्या क्या लोग लिखे हैं, कमेंट में बताना यार कौन सा आपका पार्ट अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। क्योंकि अगर ये मंदिर की बात करूँ तो ये है कुशीनगर में गौतम बुद्ध भगवान टेम्पल। तो यहाँ पे आके काफ़ी स्वच्छ और शांति वातावरण है, तो आप आकर विजिट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।